ओम गंग गणपति नमः। आप सभी का स्वागत है भक्तों आपके चैनल पे। आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि अश्विन माह कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी कब है। अश्विन मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से व्रत और पूजा करने की परंपरा है। अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन और उनकी विदाई की जाती है। उसके बाद अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी पर फिर से गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू होती है। पंचांग के अनुसार हर माह की चतुर्थी गणेश भगवान की पूजा के लिए समर्पित मानी गई है। हिंदू धर्म में गणेश जी को शुभकर्ता का प्रतीक माना गया है। इनकी आराधना से शुभ कार्य सफल हो जाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने के साथ ही चंद्रदेव के दर्शन करने से, उनकी पूजा और उन्हें अर्घ देने पे ही आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। इस दिन व्रत और पूजन करने के लिए व्यक्ति को संकष्टी चतुर्थी वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, स्नान इत्यादि करके अपने नित्य कार्य से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद पूजा करने का संकल्प लें, मंदिर को साफ सुथरा करके एक चौकी बिछाएं जिस पे गणेश भगवान की स्थापना करें। उसके बाद भगवान का जलाभिषेक करें, पुष्प से, फूल से, गंध से, चंदन से भगवान का श्रृंगार करें, उन्हें लड्डू मोदक समर्पित करें। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी का पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। रात्रि के समय चंद्र दर्शन करके अर्घ दें भगवान को और अपनी गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आज के दिन सात्विक भोजन घर में बनाएं। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो अति उत्तम है, चंद्र दर्शन करके आप फलहार कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी की पूजा जो लोग भी करते हैं उनके जीवन में सारे संकट जो आते हैं गणपति बप्पा उन्हें हर लेते हैं, उनके घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। चलिए अब आपको बता दें अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है। अश्विन तिथि का प्रारंभ हो रहा है 20 सितंबर को सुबह 8:45 से और वहीं इस तिथि का समापन होगा 21 सितंबर 2024 को सुबह 5:40 पे। ऐसे में अश्विन मास की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत शुक्रवार को 20 सितंबर को किया जाएगा। अब आपको बताते हैं चंद्रोदय का समय। 8:29 पे चंद्र दर्शन हो जाएंगे तो अर्घ देने के बाद आपका पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगा। आज की दिव्य जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी के परिवार पे गणेश भगवान की कृपा निरंतर ही बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।